बेटा गया है शिकार खेलने के लिए, लेकिन अभी तक वापस नहीं आया है। राहुल से खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा पुत्र जंगल से वापस आते ही होंगे। राहुल से लेकिन उनसे पहले मैं अपने स्वामी जी से मिल लेती हूँ। हे कहाँ के लता किया ता भाई लाती अपने दरबार में उदास होकर के बैठी हो, क्या बात है? क्या तुम उदास हो? क्या तुम उदास हो? क्या तुम्हारे प्यार में कोई कमी आया? नहीं स्वामी, इसका आवाज बढ़ाइए। ही प्रीति प्यारी तू ही रही, तू ही मर जानी हो, तुम्हारा तो मन ले रही से भगवानी हो। लगता की मारी जाई ना तो जहां
हे स्वामी स्वामी आज मैं आपको क्या बताऊं? आज तुम क्या उदास हो? क्या हुआ है अपने महल में? मैं इसलिए उदास हूं हाँ? कि उत्तम बेटा जो है वो गया है जंगल शिकार खेलने के लिए। हाँ स्वामी। उत्तम गया जंगल शिकार खेलने के लिए? हाँ स्वामी। तो बताओ उसे जंगल जाने की इजाजत कौन दिया? आखिर मैं क्या करती? कौन दिया है इजाजत? मैं लाख मनाई लेकिन मेरी बात एक भी वो नहीं माना। सब आपका लार प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। आखिर मैं क्या करती? ऐसा उसने क्या कह दिया जो तुम उसे जंगल जाने की इजाजत दे दिया? हे स्वामी दूसरा लाइन से बजाइए, वहाँ मिस कर रहा। मैं तो आदेश नहीं दे रही थी। अच्छा, लेकिन उत्तम ने बोला कि माँ अगर मुझे जंगल जाने के लिए नहीं दोगी तो महल में जहर रखा है वो खाक में मर जाऊंगा। क्या उत्तम कुमार तुम्हें जहर खाने की धमकी दी? हाँ स्वामी। महारानी एक बेटा अक्सर दुलार हुआ करते हैं, गया है जंगल तो वो जरूर लौटेगा। देखो सुबह का आने 8:15 हो गया है, जाओ एक कप गर्मा गर्म मेरे लिए चाय बना के ले आ, तब तक हम पुत्र का इंतजार अपने दरबार में कर रहे हैं। ठीक है स्वामी जी, लेकिन हाँ। लेकिन क्या? मैं एक बात आपको कहने के लिए चाहती हूँ। क्या कहने के लिए चाहती? मैं ये कहने के लिए चाहती हूँ कि जब अपना पुत्र अपने महल में है अच्छा, तो मैं सोचती हूँ कि उत्तम के सिवा आपके गोद में दूसरी का बच्चा ना बैठे। महारानी जिस समय इस महल में एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ था तो एक दिन भी हम दूसरे बच्चे को अपने गोद में नहीं बिठाए। अब तो इस महल में तुम अपना पुत्र का जन्म दी हो। हाँ स्वामी। तो अपने बच्चे के सिवाय हम दूसरे बच्चे को क्यों गोद में बिठाएंगे? वही बात मैं आपको बता दी हूँ। बेकार की बातें तुम सोचते रहे। स्वामी जी भूल से भी अच्छा दूसरे का बच्चा आपके गोद में बैठना नहीं चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं चलती हूँ, आपके लिए गरम गरम चाय बना कर रखूंगी। आद रहे, आइए साथ साथ ठंडा चाय पी लीजिए। ये महारानी लेते जाओ उधर। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, देखिए ये कार्यक्रम देखने बाद पहुंचेंगे अपना माता पिता से मिले मुझे मिलाकर जल्द से मुझे अपना माल दिखा के मुझे भेज दीजिएगा मित्र जी। हाँ मित्र जी। ठीक है, आप तो अपना माल का रास्ता देखिए, अब आगे आगे चलिए, मैं पीछे चलता हूँ। ठीक है चलिए मित्र जी। आ हो जा तारा बा